प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो कार्यक्रम जो कुछ अंतराल के बाद हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लागू उस दौरान मन की बात भी प्रसारित नहीं हो रहा था और मन की बात न प्रसारित होने की वजह से पोस्ट बॉक्स नंबर 111 भी स्थगित था। और अब दोबारा वो सिलसिला यानी मन की बात का सिलसिला शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री महोदय ने 30 जून को आप सबसे बातचीत की, अपने मन की बात के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपसे शेयर की, साझा की। और ये सिलसिला पोस्ट बॉक्स नंबर 111 इसीलिए अब हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। और आज इस पहले अंक में ही हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो आपातकाल को लेकर है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में आपातकाल के बारे में जिक्र किया, उसका उल्लेख किया, हमारे इतिहास में उस दौर का जिक्र उस रूप में किया क्योंकि वो ऐसा दौर था जिसे हम अपने भारतीय इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतांत्रिक दृष्टि से अगर कहें तो एक अंधेरा युग था, एक अंधेरा काल था। और इसीलिए उस अंधेरे काल में रोशनी की लौ लेकर, दिए की लौ लेकर चारों तरफ लोकतंत्र की रोशनी फैलाने वालों में एक नाम श्री कुमार प्रशांत जी का आज स्टूडियो में आप ही हमारे साथ हैं उस दौर के बारे में बातचीत करने के लिए। कुमार प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो। बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको हम बता दें कि कुमार प्रशांत जी लेखक तो हैं, पत्रकार भी हैं, अध्यक्ष हैं आप गांधी शांति प्रतिष्ठान के, लेकिन इस विषय पर बातचीत करने की एक बहुत विशेष वजह है क्योंकि प्रशांत जी आप 19 महीने उस दौर में, जो 21 महीने के आपातकाल की अवधि थी उसमें 19 महीने आप जेल में रहे जी। तो मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी, शायद हम इतिहास में शब्दों के माध्यम से कुछ ढूंढने की या पाने की कोशिश करें, लेकिन जब स्वयं उस व्यक्ति के मुंह से उन चीजों के बारे में सुनेंगे, घटनाक्रम के बारे में सुनेंगे जो उसका हिस्सा रहा हो, साक्षी रहा हो, भुक्तभोगी भी रहा हो, तो मुझे लगता है उसकी प्रामाणिकता और उसका असर कहीं ज्यादा होगा। तो इस रूप में आपसे आज आपातकाल के तमाम बिंदुओं के बारे में बात करने की इच्छा बहुत उत्कट थी जो आज पूरी हो रही है। अब तो काफी समय हो गया उस दौर को बीते हुए भी, लेकिन उसकी अहमियत आज के हिसाब से आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है, हमें उस दौर को भूलने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना चाहिए सकारात्मक सोच के साथ। यह ऐसा है कि लोकतंत्र में दरअसल में कोई चीज खत्म नहीं होती है जी, वो लोकतंत्र के अनुभव कोष में इकट्ठी हो जाती है और आपके साथ साथ चलने लगती है जी। तो ये जो पूरा वाकया हुआ आपातकाल का, यह भारतीय लोकतंत्र के अनुभव कोष में इकट्ठा है, क्योंकि शायद पहली बार ही ऐसा हुआ था कि लोकतंत्र के सामने एक इतनी बड़ी चुनौती आई और लोकतंत्र ने उसका अपनी तरह से मुकाबला करने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद सस्पेंड भी रहा लोकतंत्र हमारा, और फिर लोकतंत्र ने उस ताकत से एक बड़ी ताकत इकट्ठी की और उस परिस्थिति को बदला। आप जयप्रकाश नारायण जी के, जेपी के नाम से पूरी दुनिया उन्हें पुकारती है, जानती है, सम्मान देती है, श्रद्धा रखती है, व्यक्तिगत तौर पर भी आप उनके बहुत निकट रहे हैं और बल्कि उनकी दत्तक पुत्री का विवाह आपके साथ हुआ, आप जेपी के साथ लगातार रहे हैं उस दौर में। एक उत्सुकता ये होती है प्रशांत साहब की, चूंकि आपातकाल अचानक ही 25 जून की तारीख में रात को अचानक ही लगा हो कि नहीं आपातकाल लगाना है, ऐसा तो है नहीं, उसकी कुछ न कुछ पृष्ठभूमि बनती रही होगी। आपको क्या लगता है कि ये कब से आप मानते हैं कि ये शुरुआत थी जहां से उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक डर पैदा हो गया था उस समय सत्ता के मन में, जो अंततः आपातकाल के रूप में परिणित हुआ? देखिए, ऐसा है कि अपने देश को चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए एक संविधान नाम की व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था के द्वारा जब तक सरकारें चलती हैं, जब तक वो समाज को नियंत्रित करके चला पाती हैं, तब तक तो बहुत आसान रहता है, लेकिन कई परिस्थिति ऐसी आने लगती है जब सरकारों को ये महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पकड़ छूट रही है चीज़ों पर से, और जब सामान्य तरीके से आपकी पकड़ छूटने लगती है तब आप कुछ ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जो संविधान में उस तरह से मान्य नहीं है जिस तरह से संविधान और मान्य होता है। तो आपने ठीक ही कहा कि अचानक ही 25 जून 1975 को इमरजेंसी कहीं से अलादीन के चिराग में से पैदा हो गई, ऐसा तो हुआ नहीं। बिल्कुल, उसकी परिस्थितियां तो थोड़े पहले से बन रही थीं। और अगर मैं ये कहूँ आपको कि थोड़ा और पीछे से अगर देखें तो 1974 में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसको संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कहते हैं। बिल्कुल, जिसका नेतृत्व उस जयप्रकाश नारायण ने किया जिसको आप जेपी कह रहे हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे, राजनीति के बाहर जिन्होंने अपना सारा कार्यकलाप किया, लोकतंत्र को एक नए तरह का अर्थ भरने की कोशिश में जिन लोगों ने आज़ादी के बाद अपना जीवन लगाया, उसमें जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे दो बड़े नाम हैं जी। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी आई कि जयप्रकाश नारायण जी को ये महसूस होने लगा कि जो फॉर्मल डेमोक्रेसी है जो अपने देश में चल रही है वो भी अपना आधार खोती जा रही है, तो वो जिस आदर्श डेमोक्रेसी की बात सोच रहे थे
वो तो बहुत दूर की चीज़ हो जाती है। तो उनको प्रैक्टिकल ये लगा कि नहीं, पहले इस डेमोक्रेसी को जो फॉर्मल है इसको बचाना चाहिए। उस बचाने की कोशिश में ये 74 का आंदोलन शुरू हुआ और हम सब लोग उसमें उनकी बातों को सुनकर, उनके तरीकों को समझकर इसमें शरीक हुए। चीज़ शुरू तो बिहार से हुई थी लेकिन देखते देखते वो सारे देश में फैली, बिहार से लेकर उसके बाद गुजरात और फिर पूरे देश में एक संपूर्ण देश का बिगुल बज एक माहौल ही बन गया उसका। और उस समय की सरकार को ऐसा लगा कि सारा जो माहौल बन रहा है वो शायद उसके खिलाफ बन रहा है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकते हुए जानना चाहूंगा, मन में एक सवाल से उठा कि चूंकि जयप्रकाश नारायण जी स्वतंत्रता आंदोलन से देश की आजादी में भी उनका संघर्ष भरा दौर रहा और उसके बाद आजादी के बाद भी राजनीतिक सत्ता से अलग रहते हुए भी उन्होंने संपूर्ण क्रांति की जो बात की आपने, युवा उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जयप्रकाश जी से और बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने संपूर्ण क्रांति का हिस्सा बनने के लिए एक उतावलापन बल्कि दिखा मुझे, तो उस उतावलेपन की वजह क्या थी? युवाओं में इतना आक्रोश कह लें या निराशा कह लें, जिस रूप में भी आप कहें, ऐसा क्या था उस दौर में जो चाहते थे कि जेपी के साथ मिले वो? आप देखेंगे कि इतिहास में बार बार ऐसी घटनाएं आपको दिखती हैं जिनको बहुत ज्यादा तर्क से समझना जरा मुश्किल होता है। 60 के दशक में अगर आप देखेंगे तो अचानक ही सारी दुनिया में छात्र आंदोलन खड़ा होने लगता है और इतने व्यापक पैमाने पर खड़ा होता है कि लगता है जैसे सारी दुनिया नौजवानों ने अपनी मुट्ठी में करने की ठान ली है। फ्रांस की तो नौजवानों की वो क्रांति आज भी महसूस की जाती है जी। बहुत सारे परिवर्तन जिसने फ्रांस में खड़े कर दिए थे और दगाल जैसा आदमी हिल गया था जो बहुत बड़ा राष्ट्रपति था वहां का। यहाँ जो हुआ अपने देश में जो हुआ वो भी बहुत सारी परिस्थितियों के पकते पकते 74 की स्थिति बनी। बहुत बड़ा बेरोजगारी का सवाल खड़ा था, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है वो करीब करीब ध्वस्त हो चुका था, कहीं नौजवानों को अपने लिए अवसर नहीं दिख रहा था। सरकारों का दौर टूटने और बनने का बहुत तेजी से चल रहा था, तो जो स्थायित्व का पूरा अभाव था। हाँ। तो जो एक निराशा हो जाती है बनी हुई व्यवस्था से, करीब करीब नौजवान उस स्थिति में पहुंचा था। कॉलेज के जो छात्र यूनियने हैं उन लोगों ने इसमें लीड लिया, उन लोगों ने कुछ आवाजें उठाई और उसका बहुत बुरा जवाब राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से दिया गया। तो ये भी होता है कि जब आप कोई आवाज सुनते हो और अगर उसको आप तुरंत संभालने की कोशिश करते हो तो परिस्थिति संभाल जाती है, अगर तुम उसको नहीं संभालते हो और दबाने की कोशिश करते हो तो परिस्थिति बिगड़ जाती है। उसमें प्रशांत जी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि जब आजादी मिली देश को, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री मुख्य रूप से अगर हम बात करें, बीच बीच में थोड़े समय के लिए और लोग रहे, लेकिन वहां तक एक आजादी के बाद एक अलग तरह का उत्साह था, एक आशा का संचार हुआ देश में, युवाओं में भी और सभी में, कि अब हमने जीवन की लड़ाई, एक स्वतंत्र जीवन की लड़ाई जीत ली है, लेकिन इस जीवन को बेहतर बनाने की लड़ाई जो है वो उम्मीद थी कि शुरू होगी, वो शायद हो नहीं पाई, उसकी दिशा कहीं बदल गई या भटक गई वो दिशा। सुंदर तरीके से आपने कहा इसको कि जो आशा थी लोगों को कि उनका जीवन अब बेहतर बनेगा पहले से जी। वो आशा उस तरह से पूरी हो नहीं पा रही थी। सरकारों के बदलने से हमारा जीवन भी बदलता है ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, सरकारें बदलती रहीं। वो जो इकट्ठा होता गया फ्रस्ट्रेशन वो 1974 तक आते आते बहुत ज्यादा घनीभूत हो गया और जयप्रकाश जी ने उसको वाणी दी। जो उस समय जिनका जिक्र मैंने किया, लाल बहादुर शास्त्री जी या जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद एक जो कहते हैं अंग्रेजी में शब्द है ट्रस्ट डेफिसिट लीडरशिप के लिए, वो स्थिति कहीं शायद पैदा हो गई थी। हाँ, वो भी आप कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि वो जब हम उम्मीद रखते हैं और जो चीजें नहीं हो रही या कुछ निगेटिव हो रही है चीजें, हमें लगता है कि यहाँ अगर ऐसे देखेंगे तो अपने देश के जो बहुत ही मजबूत और डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, इंदिरा गांधी उनमें एक थी जी, जिन्होंने कई मोर्चों पर बहुत बहादुरी के और बहुत दूरदर्शी निर्णय किए निश्चित रूप, लेकिन उनकी भी पकड़ इस परिस्थिति पर से ढीली होने लगे और देश के लोगों को कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि जिधर जाना चाहिए था उससे किसी दूसरी दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। उस वक्त में जयप्रकाश जी ने इसमें इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि जो आज़ादी के सपने थे उन सपनों की तरफ ले जाने की जरूरत है हम लोगों को, देश को आज़ादी के सपनों से किसी दूसरी तरफ हम चले जा रहे हैं जी। तो लड़कों को, हम लोगों को, सबको ही महसूस हुआ कि दरअसल में जो चीज़ छूट रही थी वो तो ये सपना था जो छूट रहा था।
श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्टबॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं श्री कुमार प्रशांत जी से, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, अध्यक्ष हैं आप गांधी शांति प्रतिष्ठान के, और आपने एक पुस्तक भी लिखी है जयप्रकाश जी के विचारों पर आधारित, शोध की मंजिलें। इस पुस्तक के माध्यम से भी आप, चूंकि जयप्रकाश जी के साथ बहुत निकट से जुड़े रहे हैं प्रशांत जी, वो सारी बातें इनके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन आप उस समय के उस दौर का कुछ बता रहे थे गीत से पहले, क्या हालात थे, किस तरह के संकट, सामाजिक सांस्कृतिक या राजनीतिक संकट देश के सामने और खासतौर पर युवाओं की दृष्टि में देश में उपस्थित था। इसलिए जो मोटे तौर पे आप देखेंगे तो एक अनास्था पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में युवकों में उस समय फैली, और उसको एक नई दिशा में जयप्रकाश जी ले गए ये कह करके कि राजनीतिक दलों में ही लोकतंत्र बंद नहीं है, लोकतंत्र तो लोगों का होता है। सच बात। इसलिए एक निर्दलीय किस्म की ताकत देश में बढ़े आगे, इसके प्रतीक बन करके वो उभरे, और हम सब लोग जो किसी राजनीतिक दल में कभी शामिल नहीं हुए, हम सब लोग उनके पीछे गए। तो संपूर्ण क्रांति में आप लोग शामिल रहे, इसलिए मुझे लगता है कि वो राजनीतिक तो कम थी, सामाजिक क्रांति ज्यादा, उस रूप में हम संपूर्ण क्रांति को ले सकते हैं। ठीक कह सकते हैं, संपूर्ण क्रांति के 7 हिस्से हैं। हाँ, अच्छा, जो जयप्रकाश जी ने हम लोगों को बताए, उसमें राजनीतिक क्रांति भी है, सामाजिक क्रांति भी है, शैक्षणिक क्रांति भी है, आर्थिक क्रांति भी है, आध्यात्मिक क्रांति तक हो जाती है जी। तो इसका जो सामाजिक क्रांति का हिस्सा है वो भी बहुत बड़ा है। हालांकि हमारे देश में तरीका कुछ इस तरह का है, सामान्य मानस अपने देश में क्या, सारे देश दुनिया में है, कि हम पॉलिटिकल वाली बात को ही जल्दी पकड़ते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन जितने व्यापक पैमाने पर हमारे आंदोलन में बिहार में लड़कियां बाहर निकली, वो बिहार के समाज के लिए अपने आप में आश्चर्य की बात थी। अच्छा। कि समाज में लड़कियां बाहर निकलें और आंदोलन में शामिल हों, जेल जाएं, धरना करें, जुलूस करें। जितने व्यापक पैमाने पर अंतरजातीय विवाह हुए हमारे आंदोलन के कारण और समाज में स्वीकृत हुए, वो भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। आज इस बात पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे कोई। अगर आप थोड़ा और गहराई से देखें, उस दौर में निकले हुए लोग हमारे देश में बड़े बड़े पत्रकार बने, जो सब उसी आंदोलन के क्लास में से निकले हुए लोग जी। फिल्मों में बहुत सारे लोग पहुंचे जिन्होंने एक नए तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की, वो सब लोग भी कहीं ना कहीं उस धारा से प्रभावित रहे हैं। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि भाई 74 के आंदोलन में क्या हुआ, मैं उनको कहता हूँ इसका हिसाब मत करो, हिसाब इसका करो कि 74 के आंदोलन से क्या हुआ। सच बात। उससे ये सारे प्रभाव समाज में पैदा हुए जिसने समाज को ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया, ज्यादा मजबूत बनाया। उस समय आज के तारीख में ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग हैं जो उस समय जेपी के आंदोलन से जुड़े, संपूर्ण क्रांति से जुड़े रहे, लेकिन बाद में चलकर धीरे धीरे दिशाएं सबकी बदल गई, मुझे लगता है आपको भी लगता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आदमी एक ही दिशा में चले ऐसा मजबूत आदमी बहुत कम होता है जी। ज्यादा लोग तो बहती हुई हवाओं के साथ चलते हैं। तो उस समय जयप्रकाश की आंधी बहुत बड़ी थी तो उसमें सभी लोग शामिल हो गए थे। जब वो दौर थोड़ा थमा, थोड़ा नीचे उतरा, तो बहुत सारे लोग अलग अलग दिशाओं में गए। अच्छा, जयप्रकाश जी का उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ भी बहुत सरल और सहृदय संबंध रहे, मुझे लगता है। प्रभावती जी जो जयप्रकाश जी की पत्नी, वो तो कमला जी के बहुत घनिष्ठ रही, पारिवारिक ही संबंध रहे। हाँ। मतलब जयप्रकाश जी जवाहरलाल जी को भाई कहते थे जी, और उसी नाते वो उनके घर में जगह पाते थे। इंदिरा जी तो बहुत ही बच्ची थी जिस दौर में ये सब दोस्तियां बनी, लेकिन राजनीति है, राजनीति बहुत सारी चीजें बदलती है। लेकिन नहीं, एक बात देखिए, ये तो बल्कि बड़ी बात है कि जयप्रकाश जी ऐसे निकट संबंध होते भी उन्होंने एक देश को प्रथम रखते हुए, देश को आगे रखते हुए, उसके लोकतांत्रिक मूल्य हो या उसकी सांस्कृतिक सामाजिक आस्था या परंपरा या विश्वास या उसकी स्वतंत्रता हो, उसको महत्व दिया। और एक चीज प्रशांत जी, मुझे ये हमेशा लगती है कि हम देश में राजनीतिक नेतृत्व की तो बहुतायत है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग बहुत इक्के दुक्के दिखाई देते हैं, कम से कम पिछले सालों से अगर हम देखते हैं तो। उसका दुष्परिणाम मैं कहता हूँ ये होता है कि हमारे समाज में जो चीज पहले होनी चाहिए, राजनीति से पहले समाज में बदलाव होना चाहिए, वो चीजें नहीं हो पाई, नहीं हो पाती। तो ये एक विडंबना है और दुखद स्थिति है जो शायद, लेकिन उसकी भरपाई जयप्रकाश जी ने की अपनी संपूर्ण क्रांति के माध्यम से। इसीलिए उसका जो तरीका है वो यही समझने का है कि अगर आप अपने पद की ताकत से समाज में काम करते हैं और आप अपने नैतिक बल से समाज में काम करते हैं, दोनों का अलग अलग प्रभाव भी समाज पर होता है। तो जयप्रकाश जी उन बिरले लोगों में हैं जो शायद देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ सकते थे। हाँ। लेकिन जिन्होंने उन कुर्सियों को कभी भी गिना नहीं और हमेशा समाज के बीच में ही काम करते रहे, उसकी जो नैतिक कमाई उनके पास हुई वही थी जो 1974 के दौर में देश ने देखा और उसको अचानक लगा कि आदमी कहाँ से प्रकट हो गया, ये तो अभी तक कहीं था नहीं। ये गांधी की टेक्निक है काम करने के। गांधी जी ने हमेशा ये सिखाया,
क्योंकि अगर आप देखना चाहें तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि गांधी जी ने इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया, जबकि उस जगह पर वो खुद भी जा सकते थे। सामान्यतः राजनीति की भाषा में लोग मानते हैं कि हर आंदोलन का जो नेता होता है वो सफलता के बाद सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है, लेकिन अपने देश में दो बार ऐसा हुआ। 47 में आज़ादी के बाद जो देश का सबसे बड़ा नेता था उसने उन कुर्सियों की तरफ नहीं देखा, और 74 के आंदोलन का जो सबसे बड़ा नेता था उसने भी किसी दूसरे को उस कुर्सी पर बिठा दिया और अपना काम करने के लिए कहीं लोगों के बीच चला गया। मैंने तो सुना है कि जब 1977 में नई सरकार का गठन हुआ, जब शपथ ग्रहण समारोह था, बल्कि उसमें भी जयप्रकाश जी नहीं गए, क्योंकि उनको राजनीतिक सत्ता से और इस तरह के जो प्रक्रियाएं हैं उसमें उनकी उतनी रुचि नहीं थी जितनी रुचि सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चीजों में थी। सही, तो ये उनका व्यक्तित्व। और चूंकि आज आपसे बात हो रही है तो आपने जयप्रकाश जी के बारे में इतना अध्ययन किया, उनके साथ रहे हैं, आपने शोध की मंजिलें जो किताब लिखी है वो भी उन्हीं के जीवन और उन्हीं के विचारों पर आधारित है। पर एक चीज यहाँ ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये संपूर्ण क्रांति का सिलसिला तो शुरू हो गया था पहले से, लेकिन उस समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब 1975 में 25 जून को आपातकाल की घोषणा, ये आंदोलन आगे बढ़ता गया और सरकार कहीं पीछे छूटती गई। उसको ये महसूस होने लगा कि आंदोलन जो है ये ज्यादा बड़ा हो रहा है। तब उस समय की सरकार को, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, उनको ऐसा लगा कि आंदोलन शायद बहुत आगे बढ़े तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो उन्होंने जयप्रकाश जी को बातचीत के लिए बुलाया। अच्छा। और जयप्रकाश जी और इंदिरा जी के बीच में बातचीत हुई, और उसमें इंदिरा जी ने यह कहा कि डेमोक्रेसी में 5 साल के लिए सरकार बनती है, 5 साल के बीच में सरकार को क्वेश्चन करना ये डेमोक्रेटिक नहीं है। जयप्रकाश जी ने कहा कि नहीं, सरकार 5 साल के लिए नहीं बनती है, सरकार तो 5 साल के लिए संविधान ने तुमको मुद्दत दी है कि 5 साल तक तुम जनता का विश्वास संभाल कर रखो, लेकिन अगर तुम विश्वास बीच में ही खोने लगोगे तो संविधान कहीं नहीं कहता है कि बीच में एक सरकार को बदला नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तुम लोग, उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने आप ही मध्यावधि चुनाव करवाते हो, तब तो ये नहीं पूछते हो कि संविधान में 5 साल की अवधि दी हुई है। जनता अगर कहती है कि तुम गलत हो और तुम रास्ता बदलो तो तुम कहते हो कि नहीं, जनता को अधिकार नहीं है। इस तरह से वार्ता टूट गई, और वार्ता टूटने के बाद इंदिरा जी ने कहीं ऐसा कहा कि जयप्रकाश जी को इतनी जल्दीबाजी क्यों है, इलेक्शन में हम इसका फैसला कर लेंगे। अच्छा। इलेक्शन आ ही रहा था, तो जयप्रकाश जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये चुनौती दे रहे हो कि इलेक्शन में आंदोलन को जाना है तो मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। ये 1975 में जो आम चुनाव होने थे, 75 की बात है। फिर जब ये चीज हो गई तब उनके सलाहकारों ने उनको समझाया, साहब हम लोग सुनते हैं, नाम नहीं लेता हूं मैं, कि आपने बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूल कर दी है, क्योंकि जेपी को अगर आपने चुनाव के मैदान में खींच लिया तो फिर तो कोई जीत नहीं सकेगा उनसे। तब ये आखिरी हथियार के रूप में इमरजेंसी का इस्तेमाल हुआ और चुनाव भी टाला गया और सारे अधिकार सस्पेंड कर दिए गए। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्टबॉक्स नंबर 111 में आज हम चर्चा कर रहे हैं आपातकाल को लेकर। आपातकाल यानी आप जानते हैं कि 25 जून 1975 को इस देश में लगा, 21 मार्च 1977 यानी 21 महीने तक ये आपातकाल का दौर इस देश में रहा। जो हमारे संविधान में 352 जो धारा है संविधान की, उसके तहत एक प्रावधान है आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में जब कोई खतरा उसके लिए हो तो उस स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये प्रावधान था। लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ और इस्तेमाल होने की प्रक्रिया में ऐसी बहुत सारी बातें हुई जिनको लेकर मन कचोटता है या पीड़ा होती है या लगता है कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इस बात का खास जिक्र भी किया था। वो अंश श्रोताओं में आपको सुनवाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने आपातकाल के बारे में जिक्र करते हुए आपके साथ शेयर किया था, साझा किए थे अपने विचार, और फिर लौटकर बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं कुमार प्रशांत जी के साथ। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है, जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है, लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे
लोकतंत्र हमारे संस्कार हैं, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है, और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं, और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं, और आपातकाल में हमने अनुभव किया था। और इसलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों के, अधिकारों की, आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो, तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। श्रोताओं, पोस्टबॉक्स नंबर 111 में आज हम चर्चा आपातकाल के बारे में कर रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में किया, जिसको आपने सुना भी, और इस पर कुमार प्रशांत जी से हम बातचीत कर रहे हैं, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, और जयप्रकाश जी के विचारों पर आधारित आपने एक पुस्तक भी लिखी है, शोध की मंजिलें, और स्वयं उस दौर में 19 महीने आप जेल में थे। प्रशांत जी, ये जेल में जाने का सिलसिला कैसे अचानक शुरू हुआ? क्योंकि मैंने सुना था कि राजनारायण जी ने एक मुकदमा किया था इंदिरा जी के चुनाव को लेकर, उन्होंने चुनौती दी थी और अंततः उनके पक्ष में ये निर्णय हुआ था, ये 71 के चुनाव के बाद की बात। जी हाँ, तो वो जो मुकदमा था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसका फैसला हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने इंदिरा जी को पद से च्युत कर दिया। जी, अपने देश में ऐसी बहुत कम घटनाएं हुई हैं, और खासकर प्रधानमंत्री को उनके इलेक्शन के परिणाम स्वरूप कहना कि वो अब सांसद नहीं रह गए, एक बड़ा धक्का था उस समय के लिए। उसमें जो चुनौती दी गई थी इंदिरा जी के चुनाव को, उसमें क्या ये सब बातें थी कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग? हाँ, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की ही बात थी। अच्छा। और इंदिरा जी के एक सहायक थे जो वैसे सरकारी अधिकारी थे, जिन्होंने इलेक्शन में इंदिरा जी की मदद की थी, उसको ही इशू बना के राजनारायण जी ने मुकदमा दायर किया था, और जज ने भी ये माना कि ये गलत हुआ है, ये साबित हो गया हाँ। और इसलिए उन्होंने ये फैसला सुनाया जी। लेकिन उसमें उन्होंने इतना भी कह दिया कि इंदिरा जी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति है, और उसके बाद वो सारा नाटक शुरू हुआ। तो इंदिरा जी को ये एक तरफ तो ये आंदोलन का दबाव था जिसमें वो घिरी हुई थी, और तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक नया एंगल आकर जुड़ गया कि वो सांसद ही नहीं रह गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको चुनौती दी थी और उनके पक्ष में शायद निर्णय हुआ हाँ। लेकिन वो भी बड़ा ही अजीब सा निर्णय है जी, अगर आप उसको समझना चाहेंगे तो उन्होंने उसके दो हिस्से कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में इनकी एक भूमिका है और सांसद के रूप में इनकी अलग भूमिका है, इसीलिए ये प्रधानमंत्री रहेंगे लेकिन लोकसभा में वोट नहीं दे सकते हैं। अच्छा। अब एक ऐसा प्रधानमंत्री बन गया जो लोकसभा में वोट नहीं कर सकता है लेकिन वो प्रधानमंत्री बना हुआ है। ऐसा एक बड़ा अजीब सा निर्णय हुआ। संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन है, आखिर कोर्ट का तो काम इंटरप्रेट करना है। उसने जो भी इंटरप्रेट किया उस हिसाब से ये हुआ, और फिर इंदिरा जी को ये लगा कि इसको अब बचाने का, इस अजीब सी पोजिशन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोकसभा ही सस्पेंड कर दी जाए। तो इसीलिए इमरजेंसी लगी, लोकसभा सस्पेंड हुई, सारे नागरिक अधिकार बंद हो गए, हम लोग जो जगह जगह कहीं कहीं थे वो सब पकड़े गए, जेलों में गए हम लोगों को पूरे समय। शुरू में तो आप शायद कुछ दिन तो अंडरग्राउंड रहे? हाँ, मैं तो 2 महीने से ज्यादा अंडरग्राउंड था। हाँ, अंडरग्राउंड रहते हुए किस तरह की गतिविधियां आप लोगों की होती थी? हम तो यही कोशिश कर रहे थे कि हमारे आंदोलन के जो साथी जगह जगह हैं उनको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, उनमें हिम्मत कैसे भरी जाए, क्योंकि ये अनुभव पहली बार ही हमारे लिए हुआ था कि ऐसे भी कोई स्थिति आ सकती है। आपने कहा कि 21 महीने की इमरजेंसी जेल थी। हाँ। नहीं, 21 महीने पूरा देश ही जेल बन गया था। उस बड़े जेल के भीतर हम छोटी छोटी जेलों में बंद थे लेकिन देश तो पूरा ही जेल बन गया था। तो अनुभव बहुत ही अजीब सा अनुभव था, कभी सोचा नहीं था। इसलिए बहुत जरूरी था कि जो लड़के अलग अलग जगहों पर थे उनके बीच में कोई जाए, उनको उत्साहित करें, उनके लिए कुछ कार्यक्रम सोचे, उनको ये बताए, क्योंकि जब ये सुना कि जेपी से लेकर नीचे तक सभी लोग गिरफ्तार हो गए हैं तो ऐसा लगा कि अब तो कोई बचा ही नहीं देश में जो कोई बात कर सकता है। वो जो परिस्थिति रहती है वो उसमें आंदोलन को संभालने की एक जिम्मेवारी होती है। जयप्रकाश जी को तो शायद 25-26 की रात में ही मध्य रात्रि की बात, दिल्ली में जिस गांधी शांति प्रतिष्ठान का मैं आज अध्यक्ष हूँ उसी के कमरे से उनको गिरफ्तार करके ले गए थे। और अच्छा, उस दिन एक रैली 25 जून को हुई थी रामलीला मैदान में, और मैंने सुना कि लाखों की भीड़ थी वहाँ। शायद वो एक बड़ा सत्ता के लिए, वो एक बड़ी मतलब क्या चुनौती सी हो गई, खतरे की घंटी थी वो कि इतने बड़े पैमाने पर लोग उसमें शामिल हुए और स्वतः स्फूर्त वो भीड़ थी। और तो ये कई कारण होते हैं जिन कारणों से मिलकर के एक परिस्थिति बनती है, वैसा कारण बने और ये 25 जून 1975 का दिन आया।
और जयप्रकाश जी ने गिरफ्तार होते समय इतना ही कहा जो लोग पत्रकार वहां खड़े थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जैसे विनाश काल होता है वैसा ही विनाश काल वो भी हुआ। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है किशन जी, जो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें कि क्या उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनको भी, मुझे लगता है कई बार कि शायद आभास ना रहा हो कि स्थितियां या परिस्थितियां इस रूप में वहां तक पहुंच जाएंगी जहां तक गई हैं, क्योंकि सत्ता का केंद्र जब बदला, प्रधानमंत्री कोई और है, निर्णय कहीं और से होते हैं और चीजें जब इस रूप में जाती हैं तो उत्तरदायित्व के अभाव में निरंकुश होने की बड़ी संभावना या आशंका रहती है। जी हाँ, यही है। और इसकी वजह से परिणाम बड़े काफी ऐसी जगह पर परिणाम पहुंचे जिसको उन्होंने भी शायद नहीं किया होगा। हाँ, कैसा हो सकता है। तो जब परिस्थितियां बहुत आपके हाथ से निकलने लगती है, जिसको आपने ही अपने हाथ में रखने के लिए बनाया था वही आपके हाथ से छूटने लगता है, तो आप अलग तरह से रिएक्ट करते हो। मैंने सुना है कि जयप्रकाश जी ने जब उस रामलीला मैदान की रैली में एक बात कही थी कि देश की जो सेना के सदस्य हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस हैं, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा आदेश जो संविधान की भावना के प्रतिकूल हो आप उसको मानने से इनकार कर सकते हैं और करना चाहिए। हाँ। और शायद ये बात कहीं ना कहीं ये इसकी इंटरप्रिटेशन सत्ता द्वारा ये की गई कि ये देशद्रोह या भड़काने वाली चीज की जा रही है। पुलिस मैनुअल अगर आप देखेंगे, हाँ, और मिलिट्री मैनुअल देखेंगे तो दोनों में ये मैनुअल में लिखा हुआ है। अच्छा। कि ये दोनों ताकतें जो हैं संविधान से बंधी हुई हैं। हाँ। पार्टी या सत्ता सरकार उस समय की सरकार से बंधी हुई नहीं है निश्चित रूप से। तो फौज का काम है संविधान में बने हुए मूल्यों की रक्षा करना, पुलिस का काम है संविधान में बने हुए मूल्यों के हिसाब से काम करना। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति बने जब सत्ताधारी जो है वो संविधान के बाहर जाकर कोई काम करना चाहे, ऐसा नियम नहीं मानना चाहिए क्योंकि संविधान के लिए ही तुम बने हो, संविधान की रक्षा करना तुम्हारा काम है। ये बात जयप्रकाश जी ने खुलेआम उस दिन रामलीला मैदान में भी कही और उससे पहले भी आंदोलन के मंचों से जगह जगह वो कहते रहे हैं और लोगों ने ये उसका इंटरप्रिटेशन किया कि वो बगावत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इंटरप्रिटेशन की बात इसलिए भी होती है प्रशांत जी कि जब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया आकाशवाणी के माध्यम से अगले दिन यानी 26 जून की बात है वो, तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया कि देश की जनता को जो है भड़काया जा रहा है, देश की फौज को या पुलिस को भड़काया जा रहा है और ऐसी स्थितियों में अव्यवस्था फैले उसको, उससे बचने के लिए ये चीज की गई है आपातकाल। तो इसीलिए आपातकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट में जयप्रकाश जी पर मुकदमा भी हुआ। अच्छा। और वो अध्याय ज्यादा चर्चित होता नहीं है लेकिन मुकदमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इसके बारे में। अच्छा। कि इस तरह का आह्वान करना किसी भी तरह से एंटी नेशनल नहीं है, हर तबके को उसके कर्तव्य की याद दिलाना एंटी नेशनल नहीं हो सकता है। तो ये मुकदमा चला और इसके बारे में एक फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, उस रात के जो बात आप कर रहे थे कि गांधी शांति प्रतिष्ठान में ही जयप्रकाश जी रुके हुए थे 25-26 जून की रात जब उनको गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी के बाद उनको कहां ले जाया गया? उनको सोहना में रखा गया, हरियाणा के गेस्ट हाउस में, हरियाणा में जी, जहाँ उस समय 2-3 और लोग भी रखे गए थे जिनके बारे में सरकार ने भी ये सोचा नहीं था कि इनको ले कहाँ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि अचानक ही ये सारे निर्णय हुए थे और जो सत्ताधारी पक्ष के ही मेंबर थे चंद्रशेखर, वही पहली बार पुलिस थाने पर जब जयप्रकाश जी को ले जाया गया तो वहाँ वही सबसे पहले पहुंचे उनको देखने के लिए। वहां से उनको सोहना लाया गया, वहां मोरारजी देसाई भी एक कमरे में बंद थे, एक कमरे में जयप्रकाश जी को रखा गया। दरअसल प्रशांत जी एक वो बहुत पुराना गेस्ट हाउस है, काफी उसका स्ट्रक्चर और अकेला है, गांव से अलग जी, हटके जी, जी, हाँ। तो एक बार मुझे वहां रुकने का मौका मिला। अच्छा। तो मैं उसमें रुका तो मुझे बताया वहां के चौकीदार तो ने, पुलिस ले गई आपको या खुद ही गया? खुद ही गया। बल्कि उन्होंने ही इज्जत मान के साथ वहां रखा था। तो उन्होंने बताया कि इस जगह पर, वो मेरे लिए एक बहुत अलग अनुभव था कि यहाँ जयप्रकाश जी और मोरारजी देसाई जैसे, उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान यहाँ पर वो नजर बंद थे और वो गांव से आबादी से अलग बिल्कुल सन्नाटे में है। तो रात में अकेले उस भवन में या रेस्ट हाउस में रहते हुए मैं उन्हीं स्मृतियों को बस सहेजता रहा कि कैसे कैसे वो दौर रहा होगा। खैर, तो फिर सोहना से उनको दिल्ली लाया गया क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी जयप्रकाश जी, तो गुप्त रूप से उनको यहाँ लाया गया, यहाँ एम्स में उनका चेकअप वगैरह हुआ और यहाँ से फिर उनको चंडीगढ़ ले जा करके चंडीगढ़ हॉस्पिटल के कमरे में उनको रख दिया गया जहां वो तब तक रहे जब तक उनकी मरणासन्न हालत नहीं हो गई और सरकार कोई रिपोर्ट न मिल गई कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तब उनको अनकंडीशनल रिलीज कर दिया गया। और वहां से निकलकर वो बंबई आए और तब ये पता चला कि उनकी किडनी खत्म हो चुकी है। उसके बाद की कहानी तो आप जानते जी, हैं जी। जब 2 महीने बाद आपको अरेस्ट किया गया तो मैं पहले गया जेल में, गया में अरेस्ट हुआ था। हाँ। तो कुछ समय गया जेल में रहा, कुछ समय मैं भागलपुर जेल में रहा। अच्छा। और उसके बाद मुझको डाल्टनगंज में
रखा गया, जहां मैं आखिर तक रहा वहीं से मैं फिर छूटा। मुझे लगता है प्रशांत जी, भाई आप लोग अगर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए अगर अरेस्ट किया गया तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक बंदी थे आप। एक तरह से नहीं, हम राजनीतिक बंदी ही थे, हमको कैटेगरी भी मिली थी पॉलिटिकल। अच्छा, ऑफिशियली वो मिला था, लेकिन क्या राजनीतिक बंदियों की तरह का ही व्यवहार आप लोगों के साथ हुआ जेलों में उस दौर में? मोटे तौर पर तो हाँ ही कहूंगा मैं, क्योंकि जो पोलिटिकल प्रिजनर्स का मैनुअल है वो मैनुअल हमारे भी पास था देखने के लिए, तो उसी तरह का व्यवहार हुआ। लेकिन दूसरे तरह के भी व्यवहार होते रहे हैं, क्योंकि दरअसल में हमको कोई आवभगत करने के लिए जेल ले नहीं गए थे, हमको तो इस काम को रोकने के लिए जेल ले गए थे, और इस काम को चलाने वाले जो खास लोग थे उनसे उनको पता करना था कि ये सब चीज़ें चल कैसे रही हैं। तो वो जो पूछताछ चलती है उस पूछताछ में आपसे बात निकलवाने के जो तरीके होते हैं उन सब का भी इस्तेमाल होता रहता था। पर ये सुना गया कि उस दौर में बहुत टॉर्चर, बहुत यातनाएं भी दी जाती थी हुई हैं जेलों में, इसमें कोई दोराय नहीं है। या जेलों में क्या लोग बिना वजह, चूंकि उसके उस समय जब आपके मौलिक अधिकार खत्म हो गए तो पुलिस या जो भी जिनके पास शक्ति है, ताकत है, वो पकड़ के ले जाते थे, थानों में रखते या कहीं भी रखते, टॉर्चर करते, बहुत सारी होता ही था। कई लोगों के साथ तो बहुत बुरा बुरा व्यवहार हुआ है, लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा, मैं मोटे तौर पे इस बात को बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस समय की सरकार ने भी करीब करीब सिविल व्यवहार ही किया कैदियों के साथ। कुछ घटनाएं बहुत बुरी हुई हैं जिनका भी जिक्र हम करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड भी हैं, लेकिन ये बात भी कहनी पड़ेगी कि उस समय की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने काफी संयम के साथ काम लिया। लेकिन कुछ ज्यादतियां जिनके बारे में बात होती हैं प्रशांत जी, ज्यादतियां इस रूप में कि अब देखिए क्या है कि नसबंदी को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश भी था और डर था, क्योंकि अब जो फैमिली प्लानिंग के नॉर्म्स हैं, अच्छी बात है, फैमिली प्लानिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस ढंग से करने की कोशिश की गई, फोर्स करके, दबाव से, यातना दे के, लालच दे के, हर तरह से, तो उसकी वजह से आम जन में बहुत ज्यादा आक्रोश और बहुत ज्यादा डर बैठ गया था इसका। इसलिए देश के दो हिस्से कर दीजिए आप, एक हिस्सा जो जेल में था, हाँ, उसके बारे में मैंने कहा कि उससे बहुत बुरा व्यवहार नहीं हुआ, उससे ज्यादा बुरा व्यवहार हो सकता था। जो बाहर देश था पूरा, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, क्योंकि उसको डरा करके, धमका करके ऐसा रखना था कि वो इस आंदोलन से जुड़े नहीं, इसलिए उसके साथ बहुत तरह के बुरे व्यवहार हुए, जिसमें एक आपने नसबंदी का उदाहरण दिया, और भी कई सारे उदाहरण हैं जो उस समय सरकारों ने लोगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया। पहली बार देश के प्रेस ने महसूस किया कि उसके पास लिखने की आज़ादी नहीं रह गई है, तो शुरू के दो तीन दिन अखबारों में एडिटोरियल सादे छपे, ब्लैंक एडिटोरियल छपे, जिसमें संपादकों ने कुछ भी लिखने से मना कर दिया, वो एक तरह का प्रोटेस्ट था उनका जी। बाद में सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप सादा एडिटोरियल छोड़ ही नहीं सकते हैं, अच्छा आपको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा आपको, तो लोगों ने दूसरों के लेख छापे वहां पे, क्योंकि हम अपनी बात नहीं लिख सकते हैं तो हम अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं। इस तरह का प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन बहुत बुरी तरह प्रेस को दबाया गया, प्रेस को अपनी लाइन में लाने के लिए बहुत तरह से दबाव हुए, बहुत सारे एडिटर्स जेल में डाले गए, कुलदीप नैयर जैसा बड़ा आदमी जेल में गया। इन सब के साथ मैं बराबर ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी, जो मैं आपसे कह रहा था, डेमोक्रेसी भी एक क्लास है, सीखते हैं इसमें हम पढ़ते हुए निश्चित रूप से। तो ये जो 70-75 साल का सफर है अपना, उसमें एक बड़ा क्लास हमारा आपातकाल का हुआ। दरअसल 25 की रात में जब ये डिक्लेयर किया गया, और मैंने सुना कि अगले दिन अखबार इसलिए नहीं छप पाए कि जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर तमाम अखबारों के दफ्तर थे, बिजली वहां काट दी गई थी, ताकि ये खबरें जो हैं ज्यादा, उसके बाद भी ये इस तरह की कोशिशें होती रही। जी हाँ, लगातार ही होती रही, अखबार न छपे या छपे तो उस ढंग से, बल्कि ये भी कहा जाता था, और उस समय कुछ लोग कहते हैं कि समाचार चाहे वो आकाशवाणी पर हो, दूरदर्शन से हो, या अखबारों में हो, या किसी भी माध्यम से, पहले उसको आपको दिखाना होता था कि आप क्या खबर देना चाहते हैं। सभी जगह सेंसर के अधिकारी बैठे हुए थे, उन सब के इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी चीज आती थी तो पहले उनके पास जाती थी, वो जिसको पारित करते थे वही छपता था, वो जिसको रिजेक्ट कर देते थे वो चीजें नहीं छपती थी। इस तरह की परिस्थिति का विरोध करने वाले लोग भी हुए उस दौर में, और हमारे जो आंदोलन के जो छोटे अखबार थे उन पर तो कोई सेंसरशिप नहीं लगा सका, क्योंकि वो सारे अखबार हम लोग अंडरग्राउंड छापते रहे और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूट भी करते रहे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चली हैं, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सत्ता अपने को चाहे कितना भी मजबूत समझती हो, देश की जनता से बड़ी नहीं होती है। तो लोगों ने 1942 में अंग्रेज सरकार को भी समझाया था कि तुम सारे देश में भले आपातकाल लगा दो,
देश तो चलता है। लेकिन कहीं शायद ये थोड़ी मुश्किल सी महसूस होती होगी कि आप 1947 तक तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो दूसरे देश से आए थे और हम पर काबिज हो गए थे, लेकिन 1975 से 1977 के बीच की जो लड़ाई थी वो अपने ही लोगों के साथ लड़नी पड़ी। जी हाँ, इसलिए वो ज्यादा कठिन थी क्योंकि जब दुश्मन एक सामने दूसरा दिखता है तो लड़ना आसान होता है, लेकिन अपने ही जब दुश्मन बनने लगते हैं तो लड़ाई जरा मुश्किल हो जाती है। तो डेमोक्रेटिक ढांचे के भीतर से कोई तानाशाही बाहर निकल सकती है, ये इससे पहले हम जानते नहीं थे, लेकिन आज हम समझ पा रहे हैं कि संविधान का ये ढांचा बना रहता है और इसके अंदर से तानाशाही की प्रवृत्तियां भी काम करती हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप सुन रहे हैं इस समय, और इस कार्यक्रम में आज हम कुमार प्रशांत जी से बातचीत कर रहे हैं आपातकाल के दौर के बारे में। देखिए, जब उस दौर में जब हम जी रहे होते हैं तो उस समय उन बातों को याद करके हम इतने हल्के फुल्के ढंग से बात तो कर नहीं सकते प्रशांत जी, क्योंकि वहां उस समय की चुनौतियां अलग होती हैं, लेकिन आज हम उनकी चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि चर्चा करके हम कम से कम ये जानने में सफल होंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम ना करें और क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। आपके बहाने इस तरह की बहुत सारी बातचीत या चर्चाएं हुई हैं, फिल्मों से लेकर पत्रकारिता, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन जो जेपी के माध्यम से हुआ। आपने, चूंकि जेपी जी के साथ आपका बहुत निकट संबंध है, अब जयप्रकाश जी और प्रभावती जी उनके कोई संतान नहीं थी लेकिन एक दत्तक पुत्री थी जिनका विवाह आपसे हुआ, आप जेपी से किस रूप में इतने प्रभावित थे? आपने शोध की मंजिलें जो लिखी हैं उसके पीछे क्या प्रेरणा रही है? मैं दरअसल में बहुत ज्यादा प्रभावित गांधी जी से हूँ। अच्छा। और अपने कॉलेज के दिनों से ही हूँ, तो गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम कुछ हो सकता है इसकी खोज में जब मैं पढ़ा तो मुझको विनोबा भावे मिले, जयप्रकाश नारायण मिले, जिन्होंने उस समय इन विचारों को जमीन पर कैसे उतारा जाए इसकी खोज कर रहे थे। इस संदर्भ में मैं इनके करीब में आया। जयप्रकाश जी की एक खास विशेषता थी कि वो बहुत ही चुंबकीय व्यक्तित्व था उनका। वो 1942 में भी युवा हृदय सम्राट कहे जाते थे और 1974 में भी युवा हृदय सम्राट कहे जाते थे, जब उनकी उम्र अपनी ही 74 साल की हो चुकी थी। सच बात है। तो पहली बार जब हम लोग उनसे मिलने गए ये कहने के लिए कि हमारा एक आंदोलन इस तरह का है और बिखर रहा है, इसको आप संभालेंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आएगी कि दुनिया कहेगी कि युवकों का आंदोलन चल रहा है और 74 साल का बूढ़ा इसका नेता है? अच्छा। हमने कहा नहीं, हमको कोई शर्म नहीं आएगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। इस तरह से ये बातें शुरू हुई थी। लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी कि वो हरदम नए बने रहते थे। क्या बात। बहुत मुश्किल होती है नई पीढ़ी के लोगों से बात करने में। एक 74 साल का आदमी जब एक 20 साल के लड़के से बात करता है तो अपने आप में ही इतना बड़ा गैप हो जाता है कि बातचीत ही नहीं हो पाती है। लेकिन वो जब हमारे साथ बैठकर बात करते थे तो हम ये भूल ही जाते थे कि कोई इतना बड़ा आदमी बैठा है जिसके अनुभव संसार से भी हम लोग बहुत छोटे हैं। वो बिल्कुल बराबरी के स्तर पर बात कर पाते थे, इसलिए हर वक्त के नौजवान को अपने साथ ले पाते थे। सच बात है। तो वो उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। एक बौद्धिक खोज होती है हर आदमी के, आपकी भी एक बौद्धिक भूख होगी, वो भूख भी उनके पास पहुंचकर बहुत शांत होती थी। उनके बारे में गांधी जी ने ये कहा था कि जयप्रकाश समाजवाद के बारे में जो नहीं जानता है वो एशिया में दूसरा कोई नहीं जानता है। अच्छा। तो उनके अध्ययन का ये स्तर था, जिस स्तर में वो दुनिया भर के बौद्धिकों के बीच में उनकी अपनी एक जगह थी। तो जब आप उनके साथ मिलते थे, उनसे बातें करते थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी सहजता से आपको मिल जाती थी जो किसी किताब में खोजना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग जो चीजें खोज रहे थे, चाह रहे थे कि आगे का कुछ मिले हमको, वो सब उनके पास हमको सहज मिला। फिर मेरे मन में भी एक सवाल आया कि आखिर ये गांधी के बाद की दुनिया के इतिहास में दूसरा कोई पैरेलल नहीं मिलता है। जब गांधी गए और तुरंत ही विनोबा भावे नाम का एक आदमी सामने आया जिसने उनकी छोड़ी हुई दिशा पकड़ कर आगे बढ़ने का काम किया और तीसरे जयप्रकाश जी उसमें जुड़े, तो एक ही विरासत को तीन बड़े लोग लगातार से मिले हों ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं हुआ नहीं। इसलिए मैंने जो शोध की मंजिलें लिखी इसमें मैंने ये पहचानने की कोशिश की कि आखिर गांधी जी से चली हुई कौन सी धारा है जो एक धारावाहिकता के साथ जयप्रकाश जी तक पहुंचती है। उसको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए ये किताब लिखनी पड़ी मुझको। तो इसमें जयप्रकाश जी किस रूप में उपस्थित है? जयप्रकाश जी की जीवनी नहीं है ये। अच्छा। जयप्रकाश जी के विचारों की जीवनी है, क्योंकि उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी राय बदलते रहते थे। मुझे लगता है कि वो एक शोधार्थी की तरह ही, हाँ, तो जीवन भर वो तलाश में ही रहे चीजों की। तो इसीलिए आपको दिलचस्पी होगी जानने में कि जब चंडीगढ़ में वो जेल में बंद थे तो उन्होंने एक कविता लिखी वहाँ। अच्छा। जिसकी पहली पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि जीवन विफलताओं से भरा है, अपने बारे में ही कह रहे हैं। हाँ। जीवन विफलताओं से भरा है, सफलताएं जब कभी आई निकट, दूर ठेला है उन्हें निज मार्ग से।
क्योंकि सफलता और विफलता की परिभाषाएं भिन्न है मेरी। जग जिसे कहता विफलता थी शोध की वे मंजिलें। अच्छा। वे मंजिलें अनगिनत हैं और गंतव्य भी अति दूर है, लेकिन रुकना नहीं मुझको कहीं, इस तरह से वो कविता चलती है। बहुत बढ़िया। तो जीवन में जो खोज रहे हैं वो खोजते हुए जितनी दूर तक की यात्रा हो सकती है उतनी दूर तक की यात्रा करनी चाहिए, ऐसा कुछ वो कविता कहती है। तो हम लोगों ने ये समझा, और मैं चाहता हूँ कि हमारे आपके जो श्रोता हैं उनमें नई उम्र के जो श्रोता हैं वो भी ये समझें कि डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार कमा करके अलमारी में रख ली जाती है। सच बात। डेमोक्रेसी वो है जिसको रोज रोज तुमको संभालना भी पड़ता है और नया भी बनाना पड़ता है। तो ये रोज का जो संघर्ष है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा लोग कहते हैं, वो सही बात है कि जब तक तुम रोज दिन सावधान नहीं रहोगे कोई कुछ भी कह करके इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लेगा और तुम देखते रह जाओगे। इसका एक उदाहरण इतना बड़ा आपातकाल जी आपातकाल का बहुत बड़ा उदाहरण, लोकतांत्रिक रूप से राजनीतिक रूप से हम 1947 में आजाद हो गए, संविधान हमने बना लिया, संविधान की व्यवस्था के हिसाब से सरकारें चलने लगी, लेकिन उसी संविधान की आड़ लेकर जिस तरह से इस तरह के भी हो सकती है आपातकाल लागू हुआ, तो वो निश्चित रूप से ये जो बात आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के प्रति सजगता और उसकी रक्षा के लिए जो संघर्ष या लड़ाई है वो हर पल हर दिन हमेशा लड़नी पड़ेगी और लड़ना जरूरी है हमें इस लोकतंत्र को, उसकी रक्षा के लिए भी और उसको और बेहतर और उसको समृद्ध बनाने के, क्योंकि जिस तरह से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की बात की ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम राजनीति के इर्द गिर्द ज्यादा घूमते रहते हैं, बाकी जो सामाजिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं हम छोड़ते हैं, और उन क्षेत्रों में इसीलिए आज मुझे लगता है कि लीडरशिप का, नेतृत्व का बहुत अभाव है जी, जी, और समाज में विकृतियां जो बहुत सारी दिखाई दे रही हैं शायद उसके पीछे इसी कारण से। तो ये गांधी की एक परिकल्पना थी, विनोबा भावे का आपने जिक्र किया, जयप्रकाश जी के इस देश में लोकतंत्र मजबूत रहे ये हम सबकी कामना और हम सबकी इच्छा है, और इस बारे में कम से कम आपसे चर्चा करने का ये लाभ कुमार प्रशांत जी तो हुआ ही है क्योंकि आप स्वयं उसका हिस्सा रहे हैं, उस दौर का भुक्तभोगी रहे हैं, आपने लड़ाइयां लड़ी हैं, संघर्ष किया है इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जिसका जिक्र आपने किया है, जयप्रकाश जी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में चूंकि ये मन की बात का सिलसिला जो दोबारा शुरू हुआ उसी मन की बात पर आधारित ये पहली कड़ी हमने पोस्टबॉक्स नंबर 111 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की, आपातकाल को लेकर जो कि 1975 से 1977 तक इस देश में लागू रहा। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ अब जनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर